नमस्कार, मैं नीरज श्रीवास्तव आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। जिले में दबंगों ने एक मजदूर को अगवा कर जमीन लिखवा कर काटा प्राइवेट पार्ट। बिहार विश्वविद्यालय में सस्पेंड हुए छात्र ने अपने साथियों के साथ परीक्षा केंद्र पर घुसकर की तोड़फोड़। और फुटपाथ विक्रेता संघ के सदस्यों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर किया प्रदर्शन। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। जिले में दबंगों ने एक मजदूर को अपहरण कर जमीन लिखा ली, इसके बाद उसकी पिटाई कर प्राइवेट पार्ट काट डाला। जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है। दबंगों ने एक मजदूर को फोर व्हीलर से अगवा कर लिया, फिर उससे जबरन 8.5 धूर जमीन लिखवा लिया, इसके बाद उसकी जमकर पिटाई करते हुए उसका प्राइवेट पार्ट काट लिया, उसे अचेत हालत में अहियापुर ले जाकर सड़क किनारे फेंक दिया। स्थानीय लोगों और पुलिस ने उसे उठाकर ब्रह्मपुरा स्थित एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां शुक्रवार को ब्रह्मपुरा पुलिस उसका बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। जानकारी के अनुसार 6 दिसंबर को वह घर से काम करने के लिए निकला था, इसी दौरान रास्ते में गाँव के ही अवध और सुरेश समेत अन्य दबंगों ने उसे रोक लिया। कहा कि 500 रुपया रोज देंगे, हमारे साथ काम करने चलो। पीड़ित ने इनकार कर दिया तो उसे जबरन वाहन में बैठा लिया, उसे लेकर बालूघाट में एक मकान पर पहुंचे और कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। आरोपियों ने कनपट्टी पर पिस्तल तान दिया, जबरन कागजात पर दस्तखत करा लिया, इसके बाद जबरन वीडियो भी बनाया जिसमें पिस्तल दिखाते हुए उससे जबरन कहलवाया कि उसने जमीन के एवज में 10 लाख रुपये प्राप्त किए। पीड़ित ने डर के कारण उक्त बातें बोल दी, इसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर प्राइवेट पार्ट काट कर सड़क किनारे फेंक दिया। घटना के संबंध में पीड़ित शकलदीप शाह ने बताया कि वह बोछा थाना के गढ़ा का रहने वाला है, मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता है, घर से निकलता था मजदूरी करने के लिए, इसी बीच कार से अपहरण कर यह घटना को अंजाम दिया गया। घर से चले, यहाँ से बाबू ने पकड़ लिया, घर में बैठा लिया। अच्छा, काम करने जाते थे, साइकिल था, तीन किया था। कौन पकड़ा? अवधर अवध अवध पासवान। अच्छा, क्या बोला? चलो हम वो काम है, 500 रोज देंगे, चलिए वहाँ काम करना। उसके बाद गाड़ी उठा कर ले गया वहाँ दुवालू घाट रूम का जबत कर लिया। चंदवारा वालू घाट। फिर की हो क्या हुआ? सही बंद कर दिया सब, गोली से चावल से घेर लिया। अभियान वाले सब कहा कि तुम जमीन न लिखे था, तुमको जान से मार देंगे, खत्म कर देंगे। तब जमीन लिख दिए, तब दो तीन चावल रहे मारा, अब पाइप से मारा ही में सर। जमीन लिख दिया? हाँ, तो अभियान वाले 8.5 धूर जमीन लिख दी। 10,01,000। 10 लाख? 10,01,000। पैसा नहीं दिया? पैसा नहीं दिया, बोलवा के लिख रहा, बोलवा के नहीं, पैसा नहीं दिया। कौन चोर? आप लोग क्या बोल? वहीं मामले में मौके पर पहुंची ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस ने बताया कि बयान दर्ज कर संबंधित थाना को भेजा जाएगा, फिलहाल पीड़ित का बयान दर्ज किया जा रहा है। कर नहीं बता दीजिए अभी। हम तो बयान लेने आए हैं, जहां घटना घटी है वो अहियापुर थाना में अंतर्गत पड़ता है जी। लेकिन हम स्थानीय थाना ब्रह्मपुरा के हैं। क्या बता रहे पीड़ित? ये बता रहा लड़का कि हम रास्ते में कहीं मजदूरी करने जा रहे थे, वो बयान पूरा ले लेते हैं तब आपको। भुगतान वगैरह भी काट दिया गया बता? हाँ, वो तो मेडिकल ही अथी है, तो हॉस्पिटल में है, तो उसका जो क्या कार्रवाई करें, इसमें बयान दर्ज कर, बयान दर्ज करके हम भेज देंगे स्थानीय थाना को। विश्वविद्यालय में परीक्षा से निष्कासित किए गए एमसीए के छात्र ने अपने दोस्तों के साथ परीक्षा केंद्र में घुसकर तोड़फोड़ की। परीक्षा में चोरी करने से रोकने पर छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया।
शिक्षकों के साथ मारपीट की गई मामला मुजफ्फरपुर स्थित यूनिवर्सिटी का है। शुक्रवार को एग्जाम हॉल में एमसीए की परीक्षा चल रही थी, इसी दौरान एक छात्र को चोरी करने के आरोप में शिक्षकों ने पकड़ा, उसे एक्सपेल कर बाहर निकाल दिया। उक्त छात्रों ने बाहर निकलकर अपने साथियों को कॉल कर बुला लिया। दर्जनों की संख्या में पहुंचे छात्र अचानक से परीक्षा हॉल में प्रवेश कर गए। शिक्षक नवल किशोर और अनिल कुमार अमितेश के साथ मारपीट करने लगे। आंसर सीट फाड़ने का प्रयास करते हुए जमकर उत्पात मचाने लगे। गार्ड के साथ भी धक्का मुक्की हुई। सूचना मिलने पर विश्वविद्यालय थाना, काजी मोहम्मदपुर थाना और QRT की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर सभी भागने लगे। इस दौरान एक सिपाही के साथ हाथापाई भी की गई। QRT ने उत्पात मचाने वाले छात्रों पर डंडा भाजना शुरू किया। जवानों ने भाग रहे एक छात्र को दबोच लिया, उसे काजी मोहम्मदपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके बाद काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स में छात्रावास में छापेमारी भी की गई, लेकिन वहां से कुछ बरामद नहीं हुआ। उत्पात मचाने वाले सभी छात्र फरार हो गए। घटना को लेकर सेंटर सुपरिंटेंडेंट शिवानंद सिंह ने बताया कि परीक्षा के दौरान एक छात्र नकल कर रहा था, जिसे पकड़ लिया गया था, उसे एक्सपेल कर दिया गया। इसी के बाद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर उत्पात मचाया। उनकी पहचान कर ली गई है, नामजद FIR दर्ज कराया जाएगा। वहीं विश्वविद्यालय थानेदार श्रीकांत प्रसाद ने कहा कि स्थिति शांतिपूर्ण है, परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है। जिन छात्रों ने हंगामा किया था उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक लड़का चीट करते हुए पकड़ाया, उसको एक्सपेल्ड किया गया। एक्सपेल्शन के बाद कैसे सूचना हुई, कैसे बाहर कहीं से सूचना की गया? कुछ लड़के कहा जाता है कि PG 3 के थे, कुछ लड़के आए और गेट क्रैश करके भीतर घुस गए और 4-5 आदमी के साथ मारपीट किया, मैन हैंडल किया। महिला पर ये इन्विजिलेटर के साथ भी बदतमीजी किया। अगर उसको फिर इधर से रेसिस्टेंस हुआ, लेकिन रेसिस्टेंस हम लोग क्या करते, हम लोग ने हल्ला किया, कहा कि कौन है, भागो, ये सब कहाँ से आ गया है। तो नहीं रोकते तो सब क्वेश्चन और कॉपी भी फाड़ देता, लूट लेता। हाँ, ये कॉपी ये फाड़ा है, देख लीजिए कुछ लोगों का। उसके बाद वो सब गाली गलौज, क्या 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 धमकी देते हुए, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उसके बाद भाग गया। उसी समय हमारे किसी व्यक्ति ने थाना को खबर किया, तो थाना वाले आए तो उसमें से एक जवान ने निकाला ये मोबाइल अपना, उसने वीडियो लिया हुआ है। उसमें 3-4 भगोड़े जो यहाँ से उत्पात मचा के भागे मारापीटी करके, उनका फोटो भी आया है। वो जवान को हम पहचानते हैं, ये थाना का जवान। उसके बाद हम लोगों ने संबंधित अधिकारियों को खबर किया है, वो लोग भी आए थे, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर, कंट्रोलर वगैरह आए थे, और सुने हैं कि थाना ने कार्रवाई शुरू किया है। थाना ने एकाध उसमें से फिर वो झुंड में जा रहे थे, फिर दौड़ के उसको जाके पकड़ा है। इतने शायद एक वो, हाँ, एक गिरफ्तारी हुई है, वो आपको बताएंगे थाना प्रभारी। इसकी सूचना कुलपति सहित सारे संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है। निगम प्रशासन के कार्यशैली से आम लोग तो परेशान रहते ही हैं, लेकिन अब मरने के बाद भी लोग इससे परेशान हैं। देखिए रिपोर्ट। जिले में जलजमाव से न सिर्फ आम लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि मरने के बाद भी लोगों को चैन और सुकून नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुरा मेहदी हसन चौक स्थित कब्रिस्तान की, जहाँ बरसात और जलजमाव का गंदा पानी पूरे साल कब्रिस्तान के अंदर ही जमा रहता है, जिससे स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि शव को दफन करने में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत कई बार करने के बावजूद भी निगम प्रशासन कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। जब प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की मदद नहीं मिली जलजमाव से मुक्ति के लिए, तब आम लोगों ने आगे बढ़कर अपने पूर्वजों की कब्रों को बचाने के लिए एकजुट होकर जलजमाव से इस कब्रिस्तान को मुक्ति दिलाने का प्रण लिया। आम लोगों ने कब्रिस्तान को बेहतर और दुरुस्त करने में तन, मन और धन से जुट गए हैं। इसके लिए चंदा करके फंड भी इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि मिट्टी से भराव कराया जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस काम को करने में खर्च और वक्त भी काफ़ी लगेगा, लेकिन लोगों के सहयोग और हौसलों से मिट्टी भराव के काम को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है।
गौरतलब है कि शहर की बहुत बड़ी आबादी शवों को दफन करने के लिए ब्रह्मपुरा कब्रिस्तान पर ही निर्भर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वोट मांगने तो सब आते हैं, पर जलजमाव से मुक्ति और इस कब्रिस्तान की बेहतरी के लिए न तो कोई सोचता है और न ही कोई ध्यान देता है। अब आम जनता ने मिट्टी भराव का काम शुरू किया है। आवाम के जज्बे को देखकर लग रहा है कि अब कब्रिस्तान की हालत में सुधार जरूर आएगा। सालों भर तक जो है ना जल जमाव यहाँ रहता है, और ये जल जमाव के लिए हम लोगों ने भी मेहनत और मशक्कत करके इसको मिट्टी का निर्माण करवा रहे हैं। 2 टेलर 4 टेलर आवामी लोग जो है ना मदद कर रहे हैं, और आवाम के मदद से जो है ना इस काम को बखूबी अंजाम हम दे रहे हैं। और आगाज तो बेहतर हम लोग शुरू कर दिया, मगर अंजाम जो है ना खुदा बेहतर करेगा। समझा? कितने दिनों से पानी लगी हुई है? ये पानी लगी हुई है मुश्किल से 2-3 साल हो गया। मतलब जीते जी तो लोगों को जल जमाव से परेशानी हो रही है, बहुत है, इसे निजात नहीं मिल पा रहा है। इसलिए कि मैयत को जो है इस पे दफन करने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। समझा? इसीलिए हम चाहते हैं क्या कि इसकी जो है ना ऐसा विकास करवावे सारे आवाम के, पूरी मुजफ्फरपुर के समाज के जितने भी मुसलमान कौम परस्त हैं सारे लोग इन्वॉल्व हो जाए, और इनको जो है मान लें कि मदद के तौर पर सब लोग 1 टेलर 2 टेलर जिसको अल्लाह ने सलाहियत जितनी दी है उतनी की मदद करें। और इसलिए कि जानते हैं ये 50 लाख 1 करोड़ की मकान लोग बनाते हैं, खैर उकेदिक बनाते हैं, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें लेटना है, और लेटने वाले को कब्र में हिसाब है, एक ही आदमी जो लेटेगा उसी से हिसाब होगा। इसीलिए अल्लाह की खौफ और तकवा दिल में रहना चाहिए। अब अल्लाह की जब खौफ होगी तकवा होगा तो सब जो है ना सब हक में सलीम है, सब आदमी 2-4 10 टेलर देगा। अगर ये हालात आप देख रहे हैं बहुत बुरी दयनीय स्थिति है, और यहाँ 2 साल से 3 साल से पानी लग रहा है, लेकिन कोई इसका निकलने का कोई उपाय नहीं है। काफी कि जीते जिंदगी तो परेशानी है, ये है मरने के बाद भी परेशानी सामने खड़ा है जो आप देख रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ नगर निगम में ये इलाका पड़ता है, मेन शहर जुड़न छपड़ा ब्रह्मपुरा कहलाता है, जहाँ से डॉक्टरों की मंडी लगी है, लाइन लगी है। इतनी गंदगी है, इतनी पानी है, इतनी जल जमाव है, 3 साल से रेलवे का पानी, इधर उधर का पानी इस कब्रिस्तान के अंदर चला आता है, और इस वार्ड में 5 वार्ड 6 वार्ड दोनों वार्ड के वार्ड काउंसलर हैं, लेकिन दोनों वार्ड काउंसलर भी देखने नहीं आते हैं, समझने नहीं आते, न कोई कर्मचारी देखने आता है। इस देश, इस गाँव का, इस समाज का क्या होगा, इस कब्रिस्तान का क्या होगा, ये सवाल। शिकायत भी लोग किया है, नगर आयुक्त को भी कहा गया है, लेकिन नगर आयुक्त से मेरी यह अपील है और यहाँ के डीएम से भी अपील है कि कम से कम इस काम को अंजाम दें, और नहीं तो आने वाला कल में बहुत परेशानी होगी सभी के साथ, और मेयर भी है, उनको भी हम ये अपील करना चाहते हैं। समारणालय सभा कक्ष में कोरोना टीका सही समय पर लेने वाले लोगों को जिलाधिकारी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कोरोना टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता बढ़ गई है। इसके लिए विभाग लोगों को तरह तरह से लुभाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। इस क्रम में शुक्रवार को समरणालय सभागार में लक्की ड्रॉ के माध्यम से समय पर कोरोना टीका लेने वाले लोगों को पुरस्कृत किया गया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रत्येक प्रखंड में प्रथम खुराक का टीका लेने के बाद समयावधि तक दूसरा टीका लेने वाले 10 लोगों को सांत्वना पुरस्कार और 1 को बम्पर पुरस्कार मिला। पुरस्कार में किसी को मिल्टन का थर्मस तो किसी को हॉटपॉट मिला। लक्की ड्रॉ के विजेता को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने गिफ्ट दिया। जिलाधिकारी ने गिफ्ट देने के बाद सभी विजेताओं को टीकाकरण के प्रति जागरूकता पर बल दिया, कहा कि जागरूकता से ही संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा, DPRO कमल सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। से बचाव का एकमात्र और सशक्त उपाय है कोविड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लगातार ड्राइव चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में ऐसे लाभार्थी जिन्होंने प्रथम डोज ले लिया है और द्वितीय डोज कई लोगों ने नहीं लिया है, तो उनको जागरूक करने के लिए हम केयर और सरकार के समन्वय से एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आयोजित किया गया, जिसमें कि 16 प्रखंड के 176 लोगों को चिन्हित किया गया है। प्रथम जो सप्ताह में हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये लगातार हर एक सप्ताह ये कार्यक्रम चलता रहेगा। यह वैसे व्यक्तियों को चिन्हित हम लोग करते हैं जिन लोगों ने कोविड की फर्स्ट डोज लेने के बाद सेकेंड डोज के ड्यू डेट जैसे ही पूरा होता है, 84 डेज जैसे ही पूरा होता है, वैसे लोग 84 से 90 डेज के बीच जिन लोगों ने कोविड का सेकेंड डोज भी ले लिया है, वैसे लोगों के बीच से ड्रॉ निकाला जाता है। और
कुछ लाभार्थियों को प्रत्येक प्रखंड से 11 ऐसे लाभार्थी प्रत्येक सप्ताह ड्रॉ के माध्यम से चिन्हित किए जा रहे हैं, जिनको विभिन्न गिफ्ट्स प्रेजेंट्स किए जा रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज 3 प्रखंडों के लाभान्वितों को हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित किया और गिफ्ट प्रेजेंट किए। और एज ब्रांड एम्बेसडर उन लोगों से हम लोगों ने यह आग्रह भी किया है कि जिस भी वार्ड या जिस भी पंचायत से वह आते हैं, वे अपने पंचायत के सभी लोगों को सेकेंड डोज ससमय दिलाना सुनिश्चित करें, ताकि कोविड से जो लड़ाई है, जो हम लोगों का संघर्ष है, उसमें हम लोग विजयी रहें और अच्छे तरीके से कोविड का मुकाबला कर सकें। आई हॉस्पिटल में आंख गंवाने वाली मरीज के पति ने अस्पताल प्रबंधक समेत कुल 9 लोगों पर मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर किया। आई हॉस्पिटल के द्वारा लोगों की आंखों के साथ खिलवाड़ का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को बोछा थाना क्षेत्र के सरफुद्दीन गांव की रहने वाली उषा देवी के पति छोटन कुमार चौधरी ने आई हॉस्पिटल के डॉक्टर राजा अबू शहमा, डॉक्टर अमित कुमार सहित कुल 9 लोगों पर अपनी पत्नी के आँख को खराब कर दिए जाने को लेकर एक परिवाद दायर किया गया। छोटन कुमार चौधरी ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में 7 अप्रैल को डॉक्टर राजा अबू सहमा के द्वारा करवाया था, जिसके बाद से ही उनकी पत्नी का एक आँख खराब होता चला गया। 21 नवंबर को IGMS पटना के डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से बताया कि उनकी पत्नी का आँख ऑपरेशन गलत तरीके से हुआ था। अभी फिलहाल उनकी पत्नी मुंबई के कांदिवली हितवर्धक मंडल आँख हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां उनका एक आँख निकाला भी जा सकता है, जिसे लेकर उन्होंने परिवाद दायर किया है। 7/4/2021 को हम पत्नी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाए थे जूरन छपरा आई हॉस्पिटल में। वहाँ हम गए थे 5 तारीख को, पहले गए थे मैंने ऑपरेशन कराने के लिए फ्री वाला, तो कहे जो नहीं लेंस लगवा लीजिए, जो आपका पत्नी का उम्र कम है, जो लेंस लगवाइएगा तो अच्छा इसका रिजल्ट होगा। तो हम कहे ठीक है, जो लेंस लगवा दीजिए। तो बोले जो कितना का लेंस लगवाइएगा, हम कल बोलिए जितना का लगे, तो बोले जो 7,500 का लगा लीजिए। तो हमने 1,000 रुपया जमा कर दिए, कल होके आया तो कहे जो 7,500 से अच्छा होगा 11,500 वाला, तो हमने 11,500 रुपया फिर जमा किए। कल होके हमारा ऑपरेशन हो गया, 7/4 को गया मैंने ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मरीज का मैंने आँख का रोशनी आया। जब घर गए 2-4 दिन के बाद से फिर उसमें दर्द होने लगा, आके फिर सप्ताह में आके दिखाए, दिखाने के बाद हुआ क्या जे आँख का रोशनी मैंने दर्द हो रहा था, इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद उस समय डॉक्टर साहब जो ऑपरेशन किए थे उनको भी इन्फेक्शन हो गया हुआ था, तो वो फिर गए मैंने नहीं भेंट हुए थे। दूसरा डॉक्टर लोग से गए 1 महीना ले हम इलाज करवाए, 1 महीना इलाज कराने के बाद फिर वो डॉक्टर साहब आए, तो उनसे फिर गए मैंने जाके उनके चैम्बर में भेंट किए, तो फिर वो दवाई दिए, कहे जिनको दवाई से सुइया दिए जो इससे ठीक हो जाएगा, उसे नहीं ठीक हुआ। 1 महीना ले फिर इलाज चला गया, दवाई दिए, उससे भी ठीक नहीं हुआ। तो वहीं परिवार के अधिवक्ता कमलेश कुमार ने बताया कि चिकित्सकीय और मैनेजमेंट की गड़बड़ी के कारण उनके परिवादी की पत्नी का आँख खराब हो गया है, इसे लेकर उन्होंने IPC के विभिन्न धाराओं के तहत परिवाद दायर किया है, जिसे न्यायालय ने स्वीकृत करते हुए 18 दिसंबर सुनवाई की तिथि निश्चित की है। पूर्व के चिकित्सक के द्वारा लापरवाही पूर्ण तरीके से इनकी आंख का ऑपरेशन और इलाज किया गया है, जिसकी वजह से ये इनकी स्थिति आंख की खराब हो गई है, इसमें जान तक भी जा सकती है। ये बात जब चिकित्सक के द्वारा बताया गया तब ये परिवादी उनको विशेष इलाज के लिए मुंबई ले गए, और वर्तमान में उनका मुंबई में एक हॉस्पिटल है, ये हितवर्धक मंडल KHM हॉस्पिटल, वहाँ पर उनका अभी भी इलाज चल रहा है, और इनकी पत्नी उषा देवी अभी भी जीवन मौत से संघर्ष कर रही हैं। इसी मामले को लेकर के परिवादी के द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर के न्यायालय में भादवी की धारा 323, 341, 504, 406, 420, 325, 324, 326, 307/34 भादवी के तहत परिवाद पत्र दायर किया गया है। ये सर वो जो चिकित्सक थे मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के, डॉक्टर राजा अबू शहमा और दूसरे हैं डॉक्टर अमित कुमार, इन्हीं दोनों डॉक्टरों के द्वारा 2 बार परिवादी की पत्नी उषा देवी की आँख का ऑपरेशन किया गया था। तो ये दोनों डॉक्टर हैं, और साथ साथ वो जो अस्पताल प्रबंधन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे हुए राजकुमार केडिया साहब अध्यक्ष हैं मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के, और इसी तरह से प्रबंधन समिति के सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, इस तरह से कुल 9 लोगों के खिलाफ इन्होंने परिवाद पत्र दायर किया है। सुनवाई की तिथि
18/12/2021 को माननीय न्यायालय के द्वारा निर्धारित की गई है ग्रहण के बिंदु पर सुनवाई के लिए। जिला भाजपा द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर दिव्य काशी भव्य काशी अभियान की शुरुआत की। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण समारोह के अवसर पर भाजपा की ओर से दिव्य काशी भव्य काशी अभियान की शुरुआत होगी। शुक्रवार को भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कार्यक्रम की तैयारी समिति के सदस्यों के साथ पार्टी जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लोकार्पण करेंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि जिला मुख्यालय पर बाबा गरीबनाथ मंदिर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारी के तहत 11 दिसंबर को प्रत्येक वार्ड से भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। इसके अलावा 12 दिसंबर को जिले के सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 13 दिसंबर को सभी शिवालयों एवं मंदिरों में जलाभिषेक पूजा अर्चना कर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लाइव सुना जाएगा। उन्होंने कहा कि इस क्रम में पीएम को जिले से लगभग 500 पुजारी व पार्टी पदाधिकारी अभिनंदन पत्र भी भेजेंगे। देखिए 13 दिसंबर को दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम का भारत पूरे देश भर में आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम भारतवर्ष के सभी ज्योतिर्लिंगों पर यह कार्यक्रम होगा। लगभग ये कार्यक्रम 51,000 से अधिक स्थानों पर पूरे देश में ये कार्यक्रम कराया जाएगा। इस दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काशी कॉरिडोर का लोकार्पण कर रहे हैं और काशी का जो एक भव्य मंदिर है जिसको एक नए भव्यता के साथ दिया गया है उसका लोकार्पण हो रहा है। ज्ञात होना चाहिए कि रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद एक राजनेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे राजनेता के रूप में इस देश में उभरे हैं जो भारत की सभ्यता और संस्कृति का सतत विकास का प्रयास किए हैं, जिसकी कड़ी में आपने देखा सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण का काम हुआ, राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ। तिलक मैदान में डिज्नीलैंड मेले का विधिवत उद्घाटन किया गया। तिलक मैदान में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने डिज्नीलैंड मेला का विधिवत उद्घाटन किया। नए आकर्षण के साथ इस मेले में लोगों के मनोरंजन का पूरा ख्याल रखा गया है। खाने पीने के साथ साथ इस मेले में विशाल झूलों का संग्रह किया गया है। राजस्थान कश्मीर के अलावा कई राज्यों के शिल्प कलाकारों ने अपना स्टॉल लगाया है। विजेंद्र कुमार चौधरी के द्वारा डिज्नीलैंड संघ हस्तशिल्प मेला का उद्घाटन हुआ है जो मुजफ्फरपुर वासियों के लिए 10 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी 2022 तक चालू रहेगा। इसमें आपको झूलों का एक विस्तार संग्रह है जिसमें आपको मारुति सर्कस, टोरा टोरा टावर, मिक्की माउस, वाटर बोर्ड, ड्रैगन के साथ साथ आपको कंज्यूमर के हस्तशिल्प मिलेंगे। आपको विंटर सीजन है तो उलन का एक 19 कपड़ों का एक विशाल संग्रह है और उसके साथ साथ अचार, पिकल, मोराबादी के पीतल के सामान मिलेंगे। आपको सहारनपुर के फर्नीचर मिलेंगे के साथ साथ इनका समय सुबह 11 बजे से रात के 9:30 है। 10 रुपये एंट्री के साथ मुजफ्फरपुर वासियों से आग्रह है कि मेले में आएँ और मनोरंजन का सारे साधन है इसमें और अपने परिवार के साथ इंजॉय करें कोरोना को पालन करते हुए। मैं प्रदीप कुमार मिश्रा व्यवस्थापक हूँ इस डिज्नीलैंड संघ मेले का। सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा नारायणपुर रोड ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और
इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत को के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैक बेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा दो पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ है। शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में है। टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम पानी टंकी चौक। जो फिनेंस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनेंस करती है, एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है, ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। नगर निगम कार्यालय परिसर में फुटपाथ विक्रेता संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर निगम प्रशासन का घेराव किया। फुटपाथ विक्रेता संघ के द्वारा वेडिंग सर्टिफिकेट और आई कार्ड होने के बावजूद अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत नगर निगम के द्वारा बिना किसी रसीद के सामान को जब्त कर लिए जाने के विरोध में शुक्रवार को नगर निगम का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। शहर स्तरीय विक्रेता संघ के सदस्यों ने बताया कि उनकी 5 सूत्री प्रमुख मांगों को लेकर निगम का घेराव किया गया है। जब तक नगर निगम वेंडर सर्टिफिकेट, वेडिंग जोन, टाउन वेडिंग कमेटी का गठन करने सहित 5 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं करेगी तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और इस मानवाधिकार दिवस के जो है 10 तारीख को नासवी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में जो है आह्वान किया गया है, जो फुटपाथ दुकानदारों के लिए 2014 में जो वेंडिंग कानून जो है लागू किया गया है भारत के संसद के द्वारा, उस कानून के तहत जो वेंडर के अधिकार हैं वो अधिकार वेंडरों को मिले, उसके लिए पूरे देश में आज के दिन में प्रदर्शन हो रहा है हर नगर निकाय में। तो मुजफ्फरपुर के अंदर में नगर निगम के द्वारा जो है करीब 4500 वेंडरों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया है, जिनको वेंडिंग सर्टिफिकेट भी दिया गया है और वेंडिंग सर्टिफिकेट लेकर के भी वेंडिंग जब कर रहे हैं, उसके बाद भी नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया जाता है और उस अभियान के तहत फुटपाथ दुकानदारों को जो है टारगेट किया जाता है और उनसे 5,000-5,000 रुपये की वसूली की जाती है और उसके बाद जो है वो बोलते हैं उन पुलिस वाले कि ये वेंडिंग सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है। MDDM कॉलेज के BEd के छात्राओं ने विश्व मानवाधिकार दिवस पर जागरूकता रैली निकाली। विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर शुक्रवार को MDDM कॉलेज में BEd की छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस जागरूकता रैली में छात्राओं ने मानवाधिकार से जुड़े पोस्टरों के द्वारा छात्राओं को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। प्राचार्य डॉक्टर कन्नू प्रिया ने बताया कि मानवाधिकार का अर्थ विश्व में रहने वाले प्रत्येक मानव को दिया गया विशेष अधिकार है जो विश्व को एक सूत्र में बांधता है। हर व्यक्ति की रक्षा के साथ साथ स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करने की छूट देता है।
किसी व्यक्ति के साथ किसी भी कीमत पर कोई भेदभाव ना हो, समस्या ना हो, सब शांति से खुशी खुशी अपना जीवन जी सके, इसलिए मानवाधिकारों का निर्माण हुआ। 16 दिसंबर को वाल्मीकि नगर में हम पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जिले से हजारों लोग शामिल होंगे। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर के जिलाध्यक्ष शरीफुल हक एवं महिला सेल के जिलाध्यक्ष डॉक्टर स्नेहलता पांडे ने शुक्रवार को माड़ीपुर स्थित एक निजी सभागार में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आगामी 16 दिसंबर को पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर के होने वाले राष्ट्रीय परिषद के बैठक में मुजफ्फरपुर जिले के सभी प्रखंडों से हम सेकुलर की ओर से 1000 कार्यकर्ता का जत्था राष्ट्रीय परिषद के बैठक में शामिल होगा। इस प्रेस वार्ता में इन दोनों नेताओं ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का वाल्मीकि नगर जाने के क्रम में फाकुली गोबर सही कांटी मोतीपुर के सीमाओं पर भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय परिषद बैठक की जो वाल्मीकि नगर में तैयारी हो रही है, उसमें मैं जिला अध्यक्ष डॉक्टर स्नेहलता पांडे अपने तरफ से 500 महिलाओं को, उससे भी अधिक से अधिक महिलाओं को इकट्ठा करके वहां ले जाने की तैयारी हो रही है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी के तरफ से जो ये मिला है, जो वर्क हमको मिला है, उस वर्क को अधिक से अधिक करने की कोशिश की जा रही है, अधिक से अधिक लोगों की सदस्यता जोड़ने की कोशिश की जा रही है। समरणालय परिसर में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन द्वारा बढ़ती महंगाई के खिलाफ धरना दिया। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के नेतृत्व में शुक्रवार को महिलाओं ने बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने सहित अन्य मांगों के समर्थन में जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। धरना का नेतृत्व कर रही रानी प्रसाद ने बताया कि बढ़ती महंगाई के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झूठा वादा, जिसमें चूल्हे के धुएं से महिलाएं की आंखें खराब न होने देने का जो वादा किया जा रहा था, उज्ज्वला योजना को लेकर कहा कि इतनी महंगी गैस है, मजबूरी में लोगों को फिर से लकड़ी जलानी पड़ रही है, सरकार जल्द से जल्द गैस सिलेंडर की कीमत 500 करे, नहीं तो और भी बड़ा धरना दिया जाएगा। एक दिवसीय धरना एफवा की ओर से हम लोगों ने दिया। हम लोग का सवाल था जो महंगाई है, जो रसोई गैस का कीमत जो 1000 रुपया सरकार ने किया है, और इस तरह जो गरीब गुरबे महिलाएं हैं उनको 1000 की जो है तेल का जो अति बढ़ गया है, सारे चीज़ जो महंगाई के स्तर ऊर्जा सो महिलाओं को झेलना पड़ता है, इसके खिलाफ हमने महिला संगठन की ओर से धरना दिया। दूसरा, हम लोग का शराबबंदी के नाम पर गरीबों को जो अत्याचार किया जा रहा है, खास करके महिलाओं को अपमानित करना, घुस उनके घर में घुस जाना और उनको मतलब अपमानित करना, ये और माफिया जो है शराब माफिया है उनको खुली छूट देना, ये इसके खिलाफ हम लोगों ने धरना दिया आज। भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद द्वारा सदर अस्पताल में मरीजों के बीच कंबल का वितरण किया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर शुक्रवार को भारतीय मानवाधिकार सूचना परिषद की ओर से सदर अस्पताल में ठंड को देखते हुए दर्जनों से अधिक मरीज के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू नैयर व कई स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सदर अस्पताल में कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें शरीर ढकने के लिए कुछ नहीं है, वैसे मरीज के बीच शुक्रवार को भारतीय मानवाधिकार के सदस्यों ने कंबल वितरण कर ठंड का सहारा बना है। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी हम लोग भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में गरीबों के बीच जो कंबल बांटने का काम हम लोग करते थे, आज हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में सदर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में गरीब मरीजों के बीच में हम लोगों ने कंबल वितरण किया है। ऐसे गरीब जिनके पास जो ठंडा आ चुका है, इस ठंडे में जिनके पास कंबल नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग कंबल दे रहे हैं। और इस कंबल वितरण समारोह में हमारे जो हम लोग के गार्जियन अभिभावक, हमारे सिविल सर्जन डॉक्टर विनय शर्मा जी यहां पे उपस्थित थे। उनकी आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज टीम को। नमस्कार।
We'll be right back.